हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। इस वीक डीसी से रिलेटेड काफी अपडेट्स आई है, जैसे डीसी स्लेट की लेंथ कितनी है, एज्रा मिलर का फ्यूचर एज फ्लैश, वंडर वुमन का डीसीयू में पार्ट और फ्लैश मूवी के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो लीक्स। और इस वीडियो में हम सब पे अच्छे से बात करेंगे, तो आज की वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लीक्ड कॉन्टेंट में मिली कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी रिवील होंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। तो जेम्स गन ने डीसी स्लेट से रिलेटेड थोड़ा सा इन्फो दिया है उसकी लेंथ को लेकर। वैरायटी की तरफ से आई एक रिपोर्ट में मेंशन था कि डीसी की स्लेट 3 साल की होने वाली है और इसमें वंडर वुमन फीचर नहीं करेगी। इस न्यूज को जेम्स गन ने डायरेक्टली फेक बताया है और ये बात कंफर्म की है कि डीसी की स्लेट एक्चुअली 8 से 10 साल की होने वाली है और इस मंथ वो इसका कुछ ही पार्ट रिवील करने वाले हैं। अब वैरायटी की उस रिपोर्ट को कम्प्लीटली डिनाई किया है, तो मतलब वंडर वुमन की भी मूवी हमको डीसीयू के अर्ली स्टेजेस में दिख सकती है। बट उससे रिलेटेड भी ये कन्फ्यूजन है कि वंडर वुमन को कौन प्ले करेगा, गैल गैडोट या कोई और। वैसे जेम्स गन ने इस बात को भी डिनाई किया था कि गैल गैडोट को डीसी से फायर कर लिया गया है, तो जब तक प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक उनका फ्यूचर अनसर्टन है कि वो वंडर वुमन को प्ले करने वाली है या नहीं। और ऐसी ही अनसर्टेनिटी है एक और बंदे को लेकर और वो है एज्रा मिलर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, एज्रा मिलर के फ्यूचर को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। उसके मैंने 2 पॉसिबल रीजन बताए थे। पहला ये कि सिन सभी फ्लैश की मूवी रिलीज नहीं हुई है और टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद से उस मूवी को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे थे, तो मे बी मूवी की हाइप का मोमेंटम मेंटेन रखने के लिए एज्रा मिलर की रिकास्टिंग को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मे बी वो रिकास्ट ना हो और अपनी मूवी के इवेंट्स के बाद भी वही फ्लैश को प्ले करना कंटिन्यू करे। मैंने पहले रीजन की तरफ ज्यादा लीन किया था बिकॉज यू नो एज्रा मिलर के खतरनाक कांडों की वजह से। बट वैरायटी की तरफ से आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आ रही है जिससे मेरा दिया हुआ सेकंड रीजन सच होता दिख रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। इस चैनल पे इसी तरह की अपडेट वीडियोस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, सो इफ यू लाइक सच कंटेंट कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। नाउ बैक टू द वीडियो। तो वैरायटी की तरफ से आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव्स चाहते हैं कि एज्रा मिलर कंटिन्यू करे एज फ्लैश। वो मिलर की प्रोग्रेस से काफी सेटिस्फाइड है। एज्रा मिलर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग ले रहे थे और काउंसलिंग के बाद से उन्होंने कोई कांड नहीं किया है और यही प्रोग्रेस है जो वार्नर ब्रोस के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को खुश कर रही है। तो फ्लैश मूवी के बाद भी एज्रा मिलर एज डीसीयू के मेन फ्लैश कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। अब वैरायटी की तरफ से आने वाली न्यूज हमेशा सच नहीं होती, ये हम पहले देख चुके हैं क्योंकि जेम्स गन ने इनकी न्यूज को पहले भी टोटली गलत बताया था। तो जब तक खुद जेम्स गन की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक मैं इस न्यूज को बस स्पेकुलेशन की तरह ट्रीट करूंगा। तो इस पे मेरा सिंपली ये ओपिनियन है कि अगर ये न्यूज सही है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आई लाइक एज्रा मिलर एज फ्लैश। हाँ, अब एज अ ह्यूमन बींग मे बी ही इजंट नाइस, बट मैं उनके फ्लैश के पोर्ट्रेयल की बात कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव्स उनसे खुश हैं। इट डजंट मैटर, डीसी स्टूडियोज को जेम्स गन रन करते हैं पीटर सेफरन के साथ मिलके। तो जब तक जेम्स गन ना चाहे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, सो इट्स टोटली अप टू जेम्स गन, ही हैज टोटल कंट्रोल ओवर डीसी स्टूडियोज। तो अब बात ये आती है कि फ्लैश को इस नए यूनिवर्स में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यार देखो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसा कि बहुत से लोगों को पता ही होगा कि फ्लैश खाने में टाइम ट्रेवल खाता है और सुबह एक नई टाइमलाइन बाहर निकालता है। आई मीन टाइम ट्रेवल और न्यूली क्रिएटेड टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके फ्लैश को नए डीसीयू में इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो उस फ्रंट में आई डोंट सी अ सीरियस प्रॉब्लम। अब अगर एज्रा मिलर स्टेज एज फ्लैश तो इसके पीछे एक रीजन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी काउंसलिंग की प्रोग्रेस से कुछ वार्नर ब्रोस एग्जीक्यूटिव्स खुश हैं। बट इसका दूसरा रीजन फाइनेंशियल रिलेटेड बताया जा रहा है। जैसा कि हमको पता ही है, केविल और एफ्लेक काफी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं और वो मूवीज में काम करने के लिए काफी मोटा पैसा भी चार्ज करते हैं। बट उनके कंपैरिजन में एज्रा मिलर काफी कम चार्ज कर रहे हैं मूवी में एक्ट करने के लिए। और सिंस वार्नर ब्रोस विटामिन एम फॉर मनी की कमी से जूझ रहे हैं, तो दे आर लुकिंग टू ब्रिंग डाउन द बजट जो वो इनिशियल डीसी मूवीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स सी एक्चुअल में होता क्या है। इसके अलावा ट्विटर पे फ्लैश मूवी को लेकर एक प्रोमो वीडियो लीक भी आई थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग स्टफ से भरी हुई थी। वीडियो सरफेस होने के कुछ देर बाद ही वार्नर ब्रोस एक्शन मोड में आ गए और जिसने भी वो वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड की थी उन सभी को कॉपीराइट फेंक के मारा। फ्लैश मूवी को आने में टाइम काफी कम है और अभी नया ट्रेलर भी फरवरी में सुपर बोल में रिलीज होगा। सुपर बोल यूएस का एक काफी बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है और ऐसा 17 साल बाद हो रहा है जब वार्नर ब्रोस किसी मूवी का ट्रेलर इस इवेंट में रिलीज करने वाले हो, तो उन्हें मूवी पे भरोसा तो है क्योंकि सुपर बोल में 7 से 8 मिलियन डॉलर्स लगेंगे ट्रेलर एडवर्टाइज करने के। मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग्स के बाद भी रिव्यूज पॉजिटिव ही मिले हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वार्नर ब्रोस फ्लैश की मार्केटिंग को लेकर इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं। आई मीन सुपर बोल में ट्रेलर रिलीज करना अच्छा स्टेप है
बट आई डोंट थिंक यूएस के बाहर इस इवेंट को ज्यादा लोग देखते होंगे। ऑल्सो जब 7 से 8 मिलियन डॉलर्स का खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़े लंबे टाइम से इसकी हाइप बिल्ड करना शुरू करना चाहिए था। बट मूवी की अभी तक कोई प्रॉपर मार्केटिंग देखने को नहीं मिली है। हाँ, डीसी फैंस में इसको लेकर काफी हाइप है, बट मूवी को चलाने के लिए मास ऑडियंस भी मैटर करती है, और अभी तक वार्नर ब्रोस की तरफ से जनरल ऑडियंस के लिए हाइप बिल्ड करने का कोई एफर्ट नहीं दिखा है। हाँ, तो वापस आते हैं लीक्ड वीडियो पे। तो वीडियो में काफी चीजें रिवील हुई। इसमें काफी कैमियोज होने वाले हैं। इसमें लेफ्ट बबल पे अपने क्लासिक सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने 1978 में सुपरमैन को प्ले किया था। उसी बबल में उनके पीछे उन्हीं की मूवी के जनरल जॉर्ड सा दिखने वाला फिगर है। राइट साइड वाले बबल में जॉर्ज रीव्स के सुपरमैन का वर्जन देखने को मिल रहा है, और उन्होंने 1950s में सुपरमैन को प्ले किया था। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। एक का सरनेम रीव है और दूसरे का सरनेम रीव्स है। गैल गैडोट की वंडर वुमन और मल्टीपल बैटमैन भी दिख रहे हैं, जिसमें मुझे माइकल कीटन और बेन एफ्लेक के बैटमैन दिख रहे हैं। राइट साइड वाले बबल में जॉर्ज रीव्स के पीछे आई थिंक ये एडम वेस्ट वाला बैटमैन है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। और राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर में आई थिंक ये जॉन वेस्ली शिप का फ्लैश है, जिन्होंने 1990s में फ्लैश सीरीज में फ्लैश को प्ले किया था। वैसे इसके बारे में भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इमेज ज्यादा क्लियर नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी बैटमैन। इमेज के सेंटर में हमको 3 फ्लैश के वर्जन दिखते हैं, एक अपना नॉर्मल जस्टिस लीग वाला फ्लैश, एक यंगर वर्जन ऑफ फ्लैश, और इसके अलावा एक तीसरा फ्लैश है जिसको डार्क फ्लैश माना जा रहा है। इसके अलावा माइकल कीटन के बैटमैन का आर्ट भी देखने को मिला है। इसमें उनकी यूटिलिटी बेल्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ओरिजिनली ये बेल्ट येलो कलर में दिखती थी। इस इमेज में हमको सुपर गर्ल का कैरेक्टर फ्लाइंग पोज में दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ कोई प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है। एक इमेज में हमको बेन एफ्लेक का बैटमैन बाइक पे दिख रहा है, और बैटमोबाइल का आर्ट भी। एक और इमेज में हमको माइकल कीटन के बैटमैन के साथ 2 बैरी कार में बैठे दिखते हैं। और फाइनली एक और मूवी रिलेटेड आर्ट में हमको 2 बैरी, माइकल कीटन का बैटमैन और सुपर गर्ल देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे जो बैरी का वर्जन है, उसने जो फ्लैश सूट पहन रखा है वो एक्चुअली में माइकल कीटन के बैटमैन का बैट सूट है, जिसे पेंट करके और उसके पॉइंटी ईयर्स को कट करके फ्लैश ने पहना है। सो मे बी ये यंगर वर्जन हो फ्लैश का, जिसका अभी अपना सूट नहीं है, और उसने कीटन के बैटमैन की हेल्प से पुराने बैट सूट को यूज करके एक मेकशिफ्ट सूट बनाया हो फ्लैश के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखने के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। See you in the next one.